नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएमआर भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ सलमान। तो चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना क्षेत्र के गड़ानाथजी सोम नदी पुल के नीचे विस्फोटक मिलने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आसपुर डीएसपी कमल ने बताया कि मंगलवार देर शाम को सोम नदी पर गड़ानाथजी में बने पुल के नीचे से 186 किलो विस्फोटक बरामद हुआ था। वहीं कल सुबह भी 62 किलो विस्फोटक बरामद किया गया था। इसके बाद केंद्र और राज्य पुलिस सहित गुजरात के खुफिया दस्ते मामले की जांच में जुटे हुए थे। नदी के दोनों तरफ और परवा क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। इसके बाद क्षेत्र के कई मैगजीन संचालकों से भी स्टॉक वेरीफाई किया गया। संदेह होने पर भिलवाड़ा निवासी हाल आसपुर के गोल गांव में मैगजीन संचालक राजेंद्र जमर को पूछताछ के लिए लाया गया था और उसने बताया कि उसने ही उदयपुर में हुए ओडा पुल हादसे में पकड़े जाने के डर से विस्फोटक नदी में फेंक दिया था। पुलिस ने आरोपी राजेंद्र जमर को अलग अलग धाराओं में गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सख्ती से पूछताछ की जा रही है। मात्रा में जो एक्सप्लोजिव बरामद हुआ है उसको लेकर आज क्या पुलिस कार्रवाई हुई? ये मुकदमे की गंभीरता को देखते हुए और जो स्थानीय एसएचओ है उसके नेतृत्व में हमने टीम का गठन किया था और इसमें अति शीघ्र हमें सफलता मिल रही है। यहाँ का जो स्थानीय नागरिक है जिसका मैगजीन है यहाँ पे आसपुर में राजेंद्र प्रसाद धमर, उसको हमने गिरफ्तार किया है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए वीएमआर भारत टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।